की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज। गया शहर के गोदावरी रोड के समीप दक्ष स्टडी सेंटर एंड ग्रुप में छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होली की पारंपरिक गीतों पर छात्र छात्राओं ने खूब मस्ती किया और सांस्कृतिक गीतों पर भी झूमा। मौके पर कोचिंग के डायरेक्टर महाराज सर ने छात्रों को अबीर गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि होली पर्व भाईचारे का पर्व है, जिसे शांति से मनाने का भरपूर प्रयास करें। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण मंच सर घाटी के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन शेर घाटी अनुमंडल के रमना मोहल्ला स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर परिषद में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत होली के गीतों से हुई। मौके पर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। जय मित्रों, दक्ष स्टडी सेंटर गोदावरी रोड गया में आपका स्वागत है। यहाँ पे सभी बच्चों को एक साथ मिल करके होली का पर्व मनाया गया। सभी देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस संस्था में कोविड प्रोटोकॉल का नियम को पालन करते हुए बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से होली उत्सव का मिलन उत्सव मनाया गया। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं और सभी लोग इस देश में जो होली है एक मिलन का समारोह है। सभी लोग ढंग से और दिल से मिले और जितने भी बुराइयां हैं सबको त्याग करके एक अच्छाई पर विजय पाइए। और इस वर्ष भी पूर्व वर्ष की भांति मैंने हम लोग बहुत उत्तेजित होकर के सारे समाज के लोग एकत्रित हुए और बहुत उमंग और हर्षोल्लास के साथ होली मिलन का समारोह आयोजन किया गया और होली गीत के साथ शुभारंभ किया गया। और इस वर्ष की भांति अगले साल भी हम लोग मंगल कामना करते हैं कि इसी तरह हम लोग मिलते जुलते रहें और अगले साल भी इसी तरह का आयोजन किया जाएगा। होली हमारे समाज, हमारे हिंदू समाज का बहुत ही अच्छा पर्व है, जो सारे लोग, सभी लोग जाति पाति का भेदभाव भूलकर, धर्म का भेदभाव भूल करके हम लोग होली का पर्व मनाते हैं। इस होली का पर्व में सब लोग रंगों की होली, सब कुछ भेदभाव छोड़कर मनाएं। हम सभी देशवासियों, राज्यवासियों, गयावासियों को होली का हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं। इस होली पर्व में सभी लोग मिलजुल कर आपस में रंग खेलें और खुशी खुशी होली मनाएं। डॉक्टर जेपी सिंह, जनरल सर्जन, पेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गया। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।